उदाहरण नौ इन प्रश्नों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए पहला चालीस अरब साठ करोड़ हमारे पास प्रश्न में है चालीस अरब साठ करोड़ इस संख्या को कहीं हम घात के रूप में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं चार सौ गुणित दस का घात अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है मानक रूप में लिखने के लिए हम जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप उसे एक से दस के बीच में दर्शाकर उसके गुणक को दस की घातांक में प्रदर्शित करना होता है अतः हम चार सौ गुणित दस का घात आठ को चार दशमलव शून्य छः गुणित दस का घात एन के रूप में लाना चाहते हैं स्पष्ट है कि चार सौ छः को हम चार दशमलव शून्य छः के रूप में लाने के लिए हमें इसमें सौ का भाग देना होगा हम मूल संख्या चार सौ छः गुणित दस का घात आठ में चार सौ छुणित दस का घात आठ में सौ बटा सौ से गुणा करके करेंगे जिससे मूल संख्या का मान ना बदले आगे देखेंगे हम यहाँ पे चार सौ छ इस बटे सौ को जो कि हर में है इसे हम यहाँ लेंगे 406 सौ छः बटा सौ गुणित दस का घात आठ गुणित सौ को हम लिखेंगे दस का घात दो बराबर 406 सौ बटा सौ को जब हम भाग देंगे तब दशमलव में हमें प्राप्त होगा चार दशमलव शून्य छ गुणित हमारे पास दस का घात आठ गुणित दस का घात दो है यहाँ आधार समान है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे आठ धन दो यहाँ पे हमने घातांक का गुणा का नियम एक घात एम गुणित एक घात एन बराबर एक घात एम धन एन का प्रयोग किया है बराबर चार गुणित शून्य बराबर चार दशमलव शून्य छ गुणित दस का घात आठ धन दो बराबर दस तो हमें प्राप्त हुआ चार दशमलव शून्य छ गुणित दस का घात दस यह उदाहरण का हल होगा दूसरा 21 खरब 50 अरब हमें संख्या दो एक पाँच शून्य 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 को मानक रूप में व्यक्त करना है इसे हम पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस का तो संख्या हमारे पास है इक्कीस खरब पचास अरब इसे हमें मानक रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं दो सौ पंद्रह गुणित दस का घात शून्य हमारे पास दस है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो दस का घात दस दो सौ पंद्रह गुणित दस का घात दस हम जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप उसे एक से दस के बीच में दर्शाकर उसके गुणक को दस की घात में प्रदर्शित करना होता है अतः हम 215 सौ पंद्रह गुणित दस का घात दस को दो दशमलव एक पाँच गुणित दस का घात एन के रूप में लाना चाहते हैं स्पष्ट है कि 215 को दो दशमलव एक पांच के रूप में लाने के लिए हमें उसमें सौ का भाग देना सौ का भाग देना होगा हम मूल संख्या 215 सौ गुणित दस का घात दस में सौ बटा सौ से गुणा करेंगे जिससे मूल संख्या का मान ना बदले बराबर 215। सौ यहाँ पे जो हर में 100 है इस 100 को हम 215 सौ पंद्रह बटे सौ लेने लेंगे फिर 10 का घात 10, गुणित 10 का घात 100 को हम 10 का घात दो के रूप में लिखेंगे बराबर 215 सौ पंद्रह बटा सौ को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी दो दशमलव एक पाँच गुणित दस का घात दस गुणित दस का घात दो यहाँ आधार एक है तब घात जुड़ जाएंगी घातांक का नियम हमने यहाँ प्रयोग किया एक घात एम गुणित एक घात एन बराबर एक घात एम धन एन बराबर दो दशमलव एक पाँच गुणित दस का घात बारह जो कि मानक रूप में व्यक्त हुआ यह उदाहरण का हल होगा